असलम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। डेटा स्ट्रक्चर्स का जो चैप्टर हम आज पढ़ेंगे, उस चैप्टर का नाम है अरेज। हम आज देखेंगे कि अरेज जो हैं वो डेटा स्ट्रक्चर में कैसे इस्तेमाल होती हैं। अरेज का चैप्टर है 29 नंबर पेज के ऊपर। तो हम देखते हैं कि अरेज जो हैं वो किस तरीके से डाटा स्ट्रक्चर में इस्तेमाल होती हैं, या अरेज को हम एज ए डाटा स्ट्रक्चर किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अरेज का चैप्टर है अरे इज ए सिंपलेस्ट टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। अरे जो है ना वो सबसे सिंपल जो है वो डाटा स्ट्रक्चर है। अरे से पहले हमने कहा था कि जो हमने कोई एक भी वैल्यू सेव करनी हो, मिसाल के तौर पे एक इंटीजर नंबर सेव करना हो, तो हम मार्क्स के वेरिएबल में सेव करते हैं। तो हमने कहा कि जो मार्क्स का वेरिएबल है वो एक सिंगल वैल्यू सेव कर सकता है। तो हमने कहा कि अगर हमें कंसेक्यूटिव कुछ लिस्ट चाहिए, लिस्ट ऑफ नंबर्स चाहिए, तो हम अरेज जो है वो इस्तेमाल करते होते हैं। हमें कोई कंसेक्यूटिव लिस्ट चाहिए लिस्ट ऑफ नंबर्स चाहिए, तो हम अरे इस्तेमाल करते होते हैं। अरे इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। इट कंसिस्ट ऑफ एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स विच आर ऑल ऑफ द सेम टाइप। उनकी टाइप जो है वो सेम होती है। इट कैन बी थॉट ऑफ एज ए बॉक्स विद मल्टीपल कंपार्टमेंट्स इन विच ईच कंपार्टमेंट इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग ओनली वन डाटा आइटम। ऐसे होता था ना, ईच अरे इज गिवन अ नेम विद द एलिमेंट ऑफ द अरे आर एक्सेस्ड विद द रेफरेंस टू इट्स देयर पोजीशन। अरे का कोई ना कोई नाम होगा और उसको हम जो उसकी जो लोकेशन होगी, इंडेक्स लोकेशन होगी, उससे हम उसकी वैल्यू जो है एक्सेस करेंगे। ईच एलिमेंट इन द अरे हैज अ यूनिक पोजीशन। हर एलिमेंट की एक यूनिक पोजीशन होगी, दैट इज कॉल्ड इट्स इंडेक्स। ठीक हो गया। अच्छा, तो जो अरे की लोअर बाउंड है वो है उसके जो स्टार्टिंग पॉइंट है, और जो उसकी अपर बाउंड है वो उसकी जो लास्ट जो उसकी लोकेशन है उसको वगैरह अपर बाउंड। तो उसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस वन। यहाँ पे देखते हैं, ये जो अरे है उसने डिक्लेयर की है इंटीजर टाइप की एबीसी, जिसका साइज क्या है, 10 है। 10 साइज है, तो इसमें कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, 10। तो 10 एलिमेंट्स कैसे आ सकते हैं, लोअर बाउंड वो कह रहा है कि 0 है और अपर बाउंड जो है वो 9 है। अपर बाउंड 9 है, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। 9 माइनस 0 प्लस 1। प्लस 1 इस वजह से किया है क्योंकि उन दोनों का डिफरेंस करना है। तो कितने एलिमेंट्स इसमें सेव होंगे, 10। इसका साइज जो है वो क्या है, वो 10 है। इसमें इस अरे में 10 एलिमेंट सेव हो सकते हैं। द साइज ऑफ अरे कैन बी डिक्लेयर्ड आइदर स्टैटिकली और डायनेमिकली। होता क्या है कि अरे का जो साइज है वो स्टैटिकली या डायनेमिकली हम डिफाइन कर सकते हैं। स्टैटिक डिक्लेरेशन द नेम ऑफ एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अरे इज स्पेसिफाइड एट द टाइम ऑफ अरे डिक्लेरेशन इन द प्रोग्राम इट रिमेंस फिक्स्ड ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अरे में क्या होता है कि अरे में जो साइज है वो स्टैटिकली डिक्लेयर किया जाता है कि उसका साइज जो है वो 10 होगा। जब हम अरे बना रहे होते हैं दोस्तों, तो उसके बाद कहते हैं कि हम इसका साइज जो है वो क्या होगा, 10 होगा, n होगा, 10 होगा। तो उसकी जो अरे का जो साइज है वो 0 से स्टार्ट होगा और n माइनस 1 तक होगा। n माइनस 1, 10 माइनस 1, 9, 0 से लेकर 9 तक होगा। ठीक है, जो अरे है उसमें हम कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ऑपरेशंस ऑन लीनियर अरेज, सेवरल ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म ऑन लीनियर अरेज। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज ऑपरेशंस इंक्लूड ट्रैवर्सिंग, इंसर्टिंग, डिलीटिंग एंड सर्चिंग, सॉर्टिंग। ठीक है, वो कह रहे हैं कि हम पहला ऑपरेशन देखते हैं, ट्रैवर्सिंग ऑपरेशन। क्या ट्रैवर्सिंग ऑपरेशन, मैंने बताया था कि विजिटिंग होता है। विजिटिंग का क्या मतलब होता है कि एक एक एलिमेंट जाके देखना कि उसमें क्या वैल्यू पड़ी हुई है, उसको हम कहते हैं ट्रैवर्सिंग। इन ट्रैवर्सिंग ऑपरेशन ईच एलिमेंट ऑफ एन अरे इज एक्सेस्ड एग्जैक्टली वंस फॉर प्रोसेसिंग। This is called visiting of the array. An array is traversed to process its data. जब हमने array process करनी हो, कोई list को हमने process करना हो, तो हम क्या करते हैं, traverse करते हैं। For example, to compute the sum of values of each element of an array. मिसाल के तौर पे हमने तमाम elements का sum जो है वो find out करना है, तो find out करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उस location के ऊपर, उस index के ऊपर जो value पड़ी हुई है उसको विजिट करना पड़ेगा, उसको रीड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, टू कंप्यूट द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ एन अरे, ऑल एलिमेंट्स ऑफ द अरे आर एक्सेस्ड एग्जैक्टली वंस एंड देयर वैल्यूज आर एडेड। ठीक है,
सम अगर हमने फाइंड करना हो, या सिमिलरली टू प्रिंट वैल्यूज ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ एन अरे, या हमने सिर्फ वैल्यूज प्रिंट करानी हो हर एलिमेंट की, तो क्या करना पड़ेगा, ईच एलिमेंट ऑफ द अरे इज एक्सेस्ड एग्जैक्टली वंस एंड द वैल्यूज आर जस्ट प्रिंटेड. अरेज आर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है अरे ना, एंड सिंपल स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू ट्रेवर्स देम. हम आगे देखेंगे कि नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर किस तरीके से होते हैं, उनको ट्रेवर्स किस तरीके से करते हैं. इसको ट्रेवर्स किस तरीके से करते हैं, पहला जीरो एलिमेंट देखा हमने, जीरो लोकेशन पे देखा हमने, फिर उसके बाद हमने उसमें प्लस वन किया काउंटर में, उसके बाद हमने कहा कि वन हो गया काउंटर हमारा, तो हमने फिर वन लोकेशन के ऊपर, वन इंडेक्स के ऊपर हमने देखा कि अरे ऑफ वन के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, फिर हमने इंडेक्स को जो है वो प्लस वन कर दिया, तो इंडेक्स हमारे पास टू हो गया. फिर हमने देखा कि अरे ऑफ टू के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, तो इसी तरीके से हम जो है ना अरे ऑफ एन माइनस वन तक चलते हैं, हम देखा कि वो लीनियर अरे जो है वो सारे के सारे ट्रेवर्स होगी. अच्छा एल्गोरिथम देखते हैं दोबारा. राइट एन एल्गोरिथम टू कंप्यूट द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ लीनियर अरे हैविंग 10 एलिमेंट्स. वो कह रहा है कि 10 एलिमेंट्स की अरे, उन तमाम एलिमेंट्स का सम जो है वो करना है. मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट के ना 10 सब्जेक्ट्स के नंबर हैं, और हर लोकेशन के ऊपर, हर इंडेक्स के ऊपर उसके हर सब्जेक्ट के नंबर जो है वो सेव पड़े हैं, उसके तमाम टोटल मार्क्स जो है ना वो हमने कैलकुलेट करने हैं. स्टेप नंबर वन, इनपुट वैल्यूज इन अरे एबीसी, अरे का नाम है एबीसी, वो कह रहे हो कि उसमें इनपुट वैल्यूज ले लो, सारी वैल्यूज सेव कर लो. इनिशियलाइज जीरो टू वेरिएबल सम, एक वेरिएबल ले लिया सम, उसको हमने इनिशियलाइज कर दिया जीरो से, सम इज इक्वल टू जीरो. स्टेप नंबर टू देखें, सम इज इक्वल टू जीरो. स्टेप नंबर थ्री, कंप्यूट सम ऑफ अरे एबीसी, अरे एबीसी में ना हमने सम सेव करना. रिपीट फॉर लूप है, रिपीट फॉर सी इज इक्वल टू जीरो टू नाइन, ठीक है, सी इज इक्वल टू 0 to 9 मतलब n माइनस वन, ठीक है, अगर 10 अरे की साइज है तो n माइनस वन 9, 0 to 9. 0 to 9 में क्या इक्वेशन लगी हुई है, इक्वेशन लगी हुई है सम इज इक्वल टू सम प्लस ए बी सी ऑफ इंडेक्स, अरे का अरे ऑफ इंडेक्स, सम इज इक्वल टू सम प्लस अरे ऑफ इंडेक्स. अरे ऑफ इंडेक्स ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रोग्राम, तो उसमें क्या करते थे हम, सम इज इक्वल टू सम प्लस अरे ऑफ आई. अरे ऑफ आई क्या है, ए बी सी ऑफ इंडेक्स, सी है यहाँ पे जो इंडेक्स है वो सी है, ए बी सी ऑफ आई. एंड ऑफ लूप हो गया यहाँ पे, उसके बाद हमने लूप एंड करने के बाद उसने सम की वैल्यू प्रिंट करनी है, प्रिंट द कैलकुलेटेड सम, प्रिंट सम, और पांचवा स्टेप है एग्जिट. तो ये उसी जो ऊपर एल्गोरिथम दिया हुआ है उसी का प्रोग्राम जो है ना ये साथी भाई, आप इसको चला के रन करके देखें. नेक्स्ट है ट्रेवर्सिंग लीनियर अरे, राइट एन एल्गोरिथम टू प्रिंट आउट इवन वैल्यू स्टोर्ड इन अ लीनियर अरे हैविंग 10 एलिमेंट्स. अच्छा जो इवन जो वैल्यूज होती हैं, जो इवन वैल्यूज होती हैं स्टोर्ड इन अरे, इवन वैल्यूज होती हैं वो डिवाइड होती हैं, टू से जब डिवाइड करते हैं तो जीरो आंसर आता है. तो ये कंडीशन लगी हुई है लूप के अंदर, ये कंडीशन लगी हुई है कि इफ ए बी सी ऑफ सी इज डिवाइडेड बाय टू इज इक्वल टू जीरो, कोई भी जो नंबर अरे अरे ऑफ आई के ऊपर जो नंबर पड़ा हुआ है उसको हम अगर टू से डिवाइड करेंगे, अगर आंसर जीरो आए तो वो क्या है, वो इवन नंबर है. ठीक हो गया, ये हो गया आपका ट्रेवर्सिंग का ऑपरेशन. ये हमने यहाँ से जहां तक हमने ट्रेवर्सिंग पढ़ लिया. ट्रेवर्सिंग का ऑपरेशन के बाद हम अरेज में इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट, ठीक है. इंसर्ट का क्या मतलब होता है कि लिस्ट में हमने कोई और नंबर ऐड करना है. इन इंसर्टिंग ऑपरेशंस न्यू आइटम्स आर एडेड इनटू एन अरे, अ न्यू आइटम कैन बी एडेड. कहां कहां पर आइटम ऐड हो सकता है, एट द एंड ऑफ अरे, ठीक है. दो तरीका कार है अरे में डाटा इंसर्ट करने के. पहला तरीका कार ये है कि अरे के आखिर में हम जो है वो न्यू डाटा आइटम इंसर्ट करें विदाउट डिस्टर्बिंग अदर एलिमेंट्स ऑफ द अरे इफ देयर आर एन एम्प्टी एलिमेंट्स, ठीक है. अरे के आखिर में हमने वो नंबर ऐड कर देना है, तो ये ऑप्शन नंबर वन है. दूसरा जो है ऑप्शन नंबर टू, एट सम स्पेसिफाइड लोकेशन विद इन एन अरे. दूसरी ऑप्शन ये है कि एक स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर जो है ना हमने अरे में कहना है कि हमने स्पेसिफिक लोकेशन पे इंसर्ट करना है. ये आपके सामने अरे नजर आ रही है, मिसाल के तौर पे हमने वैल्यू इंसर्ट कर यहाँ पे, अब ये आपको नजर आ रही है उस अरे का नाम है टेम्प. टेम्प में वैल्यूज पड़ी हुई है, जीरो लोकेशन के ऊपर 66, वन लोकेशन के ऊपर पड़ा हुआ 72, टू लोकेशन के ऊपर पड़ा हुआ 36. अगर हमने आखिर में इसमें कोई अरे में एलिमेंट ऐड करना हो तो हम क्या करेंगे, कंसीडर अरे टेम्प 10 हैविंग 10 एलिमेंट्स विद इट्स फर्स्ट 3 एलिमेंट्स हैविंग वैल्यूज, तीन वैल्यूज इसके हैं, और इसके आखिर में हमने अगर इंसर्ट करना हो तो आखिर में कौन सी लोकेशन होगी, इसके आखिर में जो लोकेशन है, यहां तक तो अरे ऑलरेडी फील्ड है, इसके आखिर में जो लोकेशन है वो है अरे ऑफ 3, ठीक है, अरे ऑफ 3. तो हम कहां पे इंसर्ट करेंगे, 3 लोकेशन के ऊपर. तो इंसर्ट वैल्यू 78, हमने एक वैल्यू इंसर्ट करनी है, उस वैल्यू का नाम, नंबर का नाम है 78,
तो एंड पे अरे में हमने इंसर्ट करनी है, तो क्या होगा, टेम्प ऑफ 3 इज इक्वल टू 78। देखना कि कहां पे वैल्यू जो है वो नहीं पड़ी हुई, तो उसके आखिर में हमने जाके 78 जो नंबर जो है वो सेव कर लिया। टेम्प ऑफ 3 इज इक्वल टू 78। न्यू वैल्यूज कैन बी इंसर्टेड इन द अबव अरे फ्रॉम द 4th टू 10th एलिमेंट एज द एलिमेंट्स आर एम्प्टी। ये जो लोकेशन जो एम्प्टी पड़ी हुई है ना, वो कह रहा है कि यहां पे हम वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हैं। तो हमने अगर एंड पे अरे के एंड पे इंसर्ट करना हो तो हम करेंगे टेम्प ऑफ 3 इज इक्वल टू 78। अगर नेक्स्ट का नंबर आता है 50 तो हम करेंगे टेम्प ऑफ 4 इज इक्वल टू 50। नेक्स्ट का नंबर आता है 30 तो हम टेम्प ऑफ 5 इज इक्वल टू 30 करेंगे। ठीक हो गया। राइट एन एल्गोरिथम टू एड 6 वैल्यूज इन एलिमेंट्स एट द एंड ऑफ अरे टेम्प दैट हैज ओनली 4 आइटम्स स्टोर्ड इन इट्स फर्स्ट 4 लोकेशंस। वो कह रहा है कि 4 लोकेशंस के ऊपर ऑलरेडी पड़ा हुआ डाटा, तो हमने क्या करना है कि उसके अगले जो 6 लोकेशंस हैं, 6 इंडेक्सेस हैं, वहां पे जो है ना वैल्यू सेव करनी है। तो 4 लोकेशंस पे पड़ा हुआ है तो क्या करना है, 4 लोकेशन पे पड़ा हुआ है, 0 1 2 3 0 1 2 3 पे पड़ा हुआ है, तो 4 से स्टार्ट करना है और n-1 9 तक जो है ना करना है। i इज इक्वल टू 4 टू 9। ठीक है, i इज इक्वल टू इंडेक्स इज इक्वल टू 4 टू 9। 4 टू 9 से लेकर क्या करना है, अरे ऑफ i इज इक्वल टू जो वैल्यू यूजर ने एंटर की है। यूजर ने वैल्यू कहां पे एंटर की है, यूजर ने मिसाल के तौर पे इनपुट वैल्यू की है n में, तो वो कहां पे सेव कर रहे हैं, यूजर ने मिसाल के तौर पे वैल्यू n में इनपुट की है, तो हम सेव कर रहे हैं अरे ऑफ i इज इक्वल टू n, जो यूजर ने वैल्यू n एंटर की है वो हम अरे ऑफ आई टेम्प ऑफ आई में सेव कर रहे हैं। पहली दफा क्या होगा, आई 4 होगा, 4 होगा तो 3 लोकेशन ऑलरेडी, 4 लोकेशन ऑलरेडी फील्ड है 0 1 2 3, तो 5th लोकेशन के ऊपर अरे ऑफ 4 के ऊपर जो है वो जो नंबर यूजर ने एंटर किया होगा वो एन सेव हो जाएगा। तो ये उसका प्रोग्राम है। दूसरी ऑप्शन है इंसर्टिंग वैल्यू ऑफ स्पेसिफाइड लोकेशन इन एन अरे। स्पेसिफाइड लोकेशन बताना है कि अरे में कहां पे जो है ना वो वैल्यू सेव करनी है। स्पेसिफाइड लोकेशन पे हमने वैल्यू सेव करनी है। अ न्यू वैल्यू कैन आल्सो बी इंसर्टेड अ स्पेसिफाइड लोकेशन इन एन अरे टू इंसर्ट अ न्यू वैल्यू। वैल्यूज ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स आर मूव्ड वन स्टेप फॉरवर्ड और बैकवर्ड टू मेक स्पेस फॉर द न्यू वैल्यू। वो कह रहा है कि जगह बनानी पड़ेगी हमें। हमारे पास ये है, हमारे पास अरे टेम्प टेम्प। मिसाल के तौर पे हमने इसके 0th लोकेशन पे 66 लिखा हुआ है, 66 पड़ा हुआ है, तो हम चाहते हैं कि यहां पे 66 की बजाय हम यहां पे इंसर्ट कर दें 55। जब 55 यहां पे इंसर्ट करना है तो 66 जो है वो किधर जाएगा, 66 को जो है ना वो यहां पे 1 पे आ जाना चाहिए, 66 1 पे आ जाना चाहिए, 66 1 पे आएगा तो यहां पे 1 पे आएगा, तो 1 पे ऑलरेडी कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है, 72 पड़ा हुआ है, तो 72 जो है ना उसको कहां पे आना चाहिए, उसको 36 वाली जगह पे आना चाहिए। तो 36 को कहां पे आना चाहिए, यहां पे 3 लोकेशन पे आना चाहिए। हम इसको राइट साइड से देखते हैं दोबारा। हमने इंसर्ट करना है 55 0th इंडेक्स के ऊपर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 55 0th लोकेशन की जगह खाली करेंगे, इसके लिए जगह बनाएंगे 55 की जगह बनाएंगे यहाँ पे। तो हम यहाँ से राइट से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे राइट पे इंडेक्स लोकेशन है 3, 3 पे कुछ नहीं पड़ा हुआ, 3 पे कुछ नहीं पड़ा हुआ, तो 36 को उठा के हम कॉपी करेंगे 3 पे, यहाँ पे कॉपी करेंगे 36, तो ये 36 यहाँ पे आ जाएगा। तो जब 36 यहाँ पे आ जाएगा तो ये जगह खाली हो जाएगी, 2 वाली, 2 वाली जगह खाली हो जाएगी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो अरे ऑफ 1 है उसको कट करके 72 जो है वो कट करके यहाँ पे अरे ऑफ 2 पे लेके आ जाएंगे, अरे ऑफ 2 पे लेके आ जाएंगे, तो ये जगह खाली हो जाएगी, यहाँ पे 36 आ जाए, यहाँ पे 36 आ जाएगा, यहाँ पे 72 आ जाएगा, यहाँ ये जगह खाली हो जाएगी। जब ये जगह खाली हो जाएगी तो हम अरे ऑफ 1 में क्या सेव कर लेंगे, अरे ऑफ 1 में सेव कर लेंगे अरे ऑफ 0। तो जब अरे ऑफ 0 जो है 66 जो है अरे ऑफ 1 पे आ जाएगी, तो अरे ऑफ 0 जो है वो खाली हो जाएगा, अरे ऑफ 0 जब खाली हो जाएगा तो हम यहाँ पे 55 सेव कर सकते हैं। ठीक हो गया। एक्चुअली जहां पे हमने वो नया नंबर इंसर्ट करना है तो वहां पे उसके लिए जगह बनानी पड़ेगी, बाकी सारे एलिमेंट्स को राइट साइड पे पुश करना पड़ेगा, राइट साइड पे पुश करना पड़ेगा। जो अरे ऑफ आई है, जो अरे ऑफ 3 है उसको उसमें सेव करना है अरे ऑफ 2। अरे ऑफ आई, अरे ऑफ 3 में क्या सेव करना है, अरे ऑफ 2। ठीक है, अरे ऑफ 3 में क्या सेव करना है, अरे ऑफ 2। अरे ऑफ 3 में अरे ऑफ 2 सेव करना है, अरे ऑफ 2 में क्या सेव करना है, अरे ऑफ 1। अरे ऑफ 3 में, अरे ऑफ 3 में अरे ऑफ 2 सेव करना है, तो अरे ऑफ आई में अरे ऑफ आई माइनस 1 सेव करना है।
अरे एफ थ्री में क्या सेव करना है, अरे एफ टू, ये 36 को जो लेके जाना है ना, जब 36 को जो लेके जाना है तो अरे एफ थ्री में ये अरे एफ थ्री है, ये अरे एफ थ्री है, अरे एफ थ्री में अरे एफ टू सेव करना है, अरे एफ टू, अरे एफ टू 36 है, अरे एफ थ्री इज इक्वल टू अरे एफ टू, अरे एफ आई इज इक्वल टू अरे एफ आई माइनस वन, ठीक है, ये लिखा होगा जगह जो बना रहे हैं तो अरे एफ आई माइनस वन, ठीक है, ये उलट साइड से स्टार्ट कर रहे हैं। इनपुट वैल्यूज इन एम, जो वैल्यू हमने लेनी है 55 वो एम में आ गई। इनपुट पोजीशन, इन पोजीशन पी ओ एस, पोस का वेरिएबल है, मिसाल के तौर पे जीरो लोकेशन है, तो जीरो लोकेशन रिपीट स्टेप 4 to 5 व्हाइल एन इज लेस ग्रेटर देन इक्वल टू पोजीशन, पोजीशन मिसाल के तौर पे जीरो है तो एम क्या है, एन जो है उसकी वैल्यूज है जो जहां तक वो वैल्यूज, जहां तक उसकी वैल्यूज पड़ी है, मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे एन ये 3 वैल्यूज पड़ी हुई तो एन क्या होगा, 2 होगा, तो जब 2 होगा उस केस में हम क्या करेंगे, 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो अरे ऑफ एन प्लस 1 इज इक्वल टू अरे ऑफ एन, ठीक है, इसने एन प्लस 1 इज इक्वल टू अरे ऑफ एन कर दिया, मैं करता अरे ऑफ एन इज इक्वल टू अरे ऑफ आई एम एन माइनस 1, तो ये वही चीज है कि अरे ऑफ एन प्लस 1 इज इक्वल टू अरे ऑफ एन, ठीक है, एन क्या होगा, पहले एन हमारे पास होगा कितना है, एन यहां पे एन जहां तक अरे वैल्यूज है ये 2 है, ठीक है, अरे ऑफ एन प्लस 1 2, अरे ऑफ एन प्लस 1 क्या है 3 है, 3 है तो उसमें 3 में क्या सेव करना है, अरे ऑफ एन सेव करना है, अरे ऑफ एन क्या है, अरे ऑफ एन 36 है, ठीक है, अरे ऑफ एन प्लस 1 इज इक्वल टू अरे ऑफ एन, एन माइनस एन इज इक्वल टू एन माइनस वन, एन माइनस माइनस करना है, और जब ये सारी वैल्यूज मूव हो जाए, वो जगह खाली हो जाए जीरो वाली, तो क्या करना है, जीरो लोकेशन के ऊपर, जीरो पी ओ एस में जीरो था ना, पी ओ एस में जीरो जो उसने यूजर ने एंटर किया था, क्या पी ओ एस जीरो लोकेशन पे एंटर करना है, तो पी ओ एस में जब जीरो है तो अरे ऑफ जीरो के ऊपर क्या करना है, जो वैल्यूज यूजर ने एंटर किया एम में, मिसाल के तौर पर 55 था तो वो 55 अरे ऑफ जीरो पे सेव कर देना है और एग्जिट कर देना है। ये है एल्गोरिदम स्पेसिफाइड लोकेशन के ऊपर कोई अरे में वैल्यूज इंसर्ट करने का, ये उसका प्रोग्राम है, ये आपने इसको चला के देखना है, रन कर देखना है। अब डिलीट का ऑपरेशन है, डिलीट ऑपरेशंस, इन डिलीटिंग ऑपरेशन द एलिमेंट्स ऑफ अरे आर रिमूव्ड लाइक इंसर्शन डिलीशन कैन बी परफॉर्म एट द एंड और एनी पोजीशन इन द अरे, आखिर में भी जाके डिलीट कर सकते हैं अरे के आखिर में, और दरमियान में भी हम कह सकते हैं कि अरे ऑफ जीरो के ऊपर, जीरो लोकेशन के ऊपर 55 पड़ा हुआ है तो उसको डिलीट करके, जब डिलीट करेंगे जीरो लोकेशन के ऊपर, जो राइट साइड पे वन लोकेशन के ऊपर वैल्यू पड़ी होगी वो जीरो लोकेशन पे आ जाएगी, इसी तरीके से सारी वैल्यूज जो है ना वो लेफ्ट पे पुश हो जाएंगी डिलीटिंग अगर हम किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे करते हैं। तो पहले ये देखते हैं डिलीटिंग आइटम्स एट द एंड, पहले डिलीटिंग और रिमूविंग डेटा आइटम एट द एंड ऑफ अरे सिंपल एंड इजी, रिमूव लास्ट एलिमेंट ऑफ द अरे, लास्ट एलिमेंट इज एक्सेस्ड एंड डिलीटेड बाय प्लेसिंग नल वैल्यू और बाय डिक्रीजिंग द साइज ऑफ अरे By one element if the last element of the array, ये 5 elements की array है country, उस array का नाम है country, to remove last elements of the array that is India, move the last elements, भाई अगली बारी पाकिस्तान की है, उसने कहा है कि इंडिया को रिमूव कर रहे हैं तो अगली बारी पाकिस्तान की है, इंडिया को रिमूव नहीं करना, इंडिया हमारा दोस्त मुल्क है, दुश्मन नहीं है, हमने ऐसे ही दुश्मन बनाया हुआ है, हम सायों को दुश्मन बनाओगे तो तुम्हें मारेंगे जरूर, दुश्मन नहीं बनाना हम सायों को, हम सायों के साथ दोस्ती रखनी है, टू रिमूव लास्ट एलिमेंट्स, भाई हम सच्चे पाकिस्तानी हैं, मेरे जहन में वैसे एक बात आ गई है, हम सच्चे पाकिस्तानी हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इंडिया से प्यार है, हमें इंडिया से प्यार नहीं है, लेकिन उसके साथ दोस्ती रखना मजबूरी होती है, नहीं तो बड़े भाई मारते होते हैं। To remove the last element of the array, move the last elements and then delete it by placing the null value. It can also be deleted by decreasing the size. ये last element remove करना है तो क्या करना है, यहाँ पे null save कर देना, ठीक है। Deleting item from the specified location. आगे China को remove कर रहे हो, देखो China के साथ दोस्ती खत्म, नहीं China को नहीं कर रहा, specific location. When an item is removed from specific location within array, the items from the location up to the end of the array are moved one location towards the beginning of the array. भाई दरमियान से कोई remove करेंगे ना तो ये मिसाल के तौर यहाँ पे
थ्री लोकेशन के ऊपर हम अमेरिका को रिमूव करते हैं, अमेरिका को रिमूव करते हैं तो क्या करेंगे, ये जगह खाली हो जाएगी। जब ये जगह खाली हो जाएगी तो इधर जो वैल्यू पड़ी होगी वो इधर आ जाएगी, जो फोर्थ लोकेशन पे वैल्यू पड़ी होगी तो वो थर्ड लोकेशन पे आ जाएगी, जब फोर्थ लोकेशन वाली जगह खाली हो जाएगी, जो फोर्थ लोकेशन वाली जगह खाली हो जाएगी तो इधर जो फिफ्थ लोकेशन पे जगह पड़ी वैल्यू पड़ी होगी वो फोर्थ लोकेशन पे आ जाएगी, आखिर में जगह खाली पड़ी रहे। When an item is moved from specific location within an array, the items from the location up to the end of the array are moved one location. आखिर तक अरे के आखिर तक क्या करना है, अरे के एलिमेंट्स जो है ना वो लेफ्ट साइड पे मूव करने हैं, ठीक है। अरे ऑफ का जो साइज है वो एक कम हो जाएगा जब एक उसमें से रिमूव कर जाएगा। To delete America at position 3, the contents of location 4 and 5 are moved one step towards beginning of the array. Pakistan will be shifted to location 3. पाकिस्तान लोकेशन 3 पे शिफ्ट होगा और चाइना लोकेशन 4 पे होगा। आफ्टर शिफ्टिंग द वैल्यूज द साइज ऑफ द अरे आल्सो डिक्रीजेस। डिलीटिंग आइटम फ्रॉम अरे, लोकेशन के ऊपर से जो ना उसने कंट्री को डिलीट करना है, जिस अरे कंट्री में एन एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। के यूजर से इनपुट ले लिया कि हमने के मिसाल के तौर पर ये रिमूव करना है 3, तो के में 3 आ जाएगा। एक इफ के इज ग्रेटर देन एन, एन जो है ना हमारे पास 5 है, तो वो कह रहा है कि इफ के इज ग्रेटर देन एन प्रिंट इनवैलिड लोकेशन। अगर जो हम कहें कि 6 यूजर ने एंटर कर दिया कि 6 लोकेशन के ऊपर वैल्यू रिमूव करनी है तो वो 6 लोकेशन है ही नहीं, तो वो उसको प्रिंट करा देंगे इनवैलिड लोकेशन। रिपीट फॉर सी इज इक्वल टू के टू एन माइनस 1, कंट्री ऑफ सी इज इक्वल टू कंट्री ऑफ सी प्लस 1, ठीक है। कंट्री ऑफ सी इज इक्वल टू कंट्री ऑफ सी प्लस 1। रिपीट फॉर सी इज इक्वल टू के से स्टार्ट करना है, जो रिमूव करनी है वैल्यू वहीं से स्टार्ट करना है, जो वैल्यू रिमूव करनी है 3 वाली वैल्यू रिमूव करनी है तो 3 से स्टार्ट करना है, ये वाली रिमूव करनी है 3 से स्टार्ट करना है तो ये वाली वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी, ओवरराइट हो जाएगी तो वो रिमूव हो गई। अब बात आ गई सर्चिंग और सॉर्टिंग की। सर्चिंग सॉर्टिंग सर्चिंग बाइंड भी सर्च लीनियर सर्च आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ स्पेसिफिक डेटा आइटम एंड लोकेशन इज कॉल्ड सर्चिंग। किसी भी हमने कंट्री को सर्च करना हो, पाकिस्तान को सर्च करना हो, या किसी भी हमने रोल नंबर को सर्च करना हो तो हम उसको कहते हैं कि सर्चिंग है। इफ डेटा आइटम इज फाउंड फ्रॉम द सर्च इज सेड टू बी सक्सेसफुल, अदरवाइज इट इज कॉल्ड अनसक्सेसफुल। इसने सर्चिंग का एल्गोरिथम भी नहीं दिया और सॉर्टिंग का भी नहीं दिया, आगे होगा सर्चिंग और सॉर्टिंग जो है ना वो आगे होगा। सिमिलरली प्रोसेस ऑफ रीअरेंजिंग items of an array is specified order is called sorting. जो elements है list के अंदर कोई marks है तो हम उसको जब rearrange करते हैं तो उसको कहते हैं कि ये sorting है। These items in array are usually sorted into ascending or descending order. The data in array is sorted to expedite searching process. Sorting का मकसद ये होता है कि search हम easily कर सकें। अगर तरतीब लगे हुए number होंगे तो हमें पता है कि सबसे ज़्यादा number ऊपर होंगे और सबसे कम number जो है आखिर में होंगे, तो हम सर्चिंग में आसानी होती है। नेक्स्ट बात आ गई टू डायमेंशनल अरेज की। टू डायमेंशनल अरेज को हम एज ए डाटा स्ट्रक्चर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। टू डायमेंशनल अरेज कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स, इट्स कॉल्ड टेबल और मैट्रिक्स। द एलिमेंट्स ऑफ टू डायमेंशनल अरेज आर रेफरेंस बाय टू सबस्क्रिप्ट्स और इंडेक्स वैल्यूज। मैट्रिक्स विद द सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। एक रो है और दूसरा कॉलम है, 2D अरे है हमारे पास। टू डायमेंशनल अरे एबीसी हैविंग टू रोज एंड 3 कॉलम्स। एबीसी ऑफ 2-3 है, एबीसी ऑफ 2-3 दो रोज हैं और 3 कॉलम हैं। 0-0 और ये लोकेशन होगी अरे ऑफ 0-0, ये होगी अरे ऑफ एबीसी ऑफ 0-1, ये 0-2, ये है एबीसी ऑफ 1-0, मतलब रो 1 और कॉलम 0, अरे ऑफ 1-1, अरे ऑफ 1-2। इस तरह हम डिक्लेयर करते हैं अरेज को। इंट स्टेम्प बड़ी ब्रैकेट में पहला इंडेक्स, दूसरी बड़ी ब्रैकेट में दूसरा इंडेक्स। पहला जो है ना रोज रिप्रेजेंट करे, दूसरा कॉलम रिप्रेजेंट करे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू डायमेंशनल अरेज इन मेमोरी। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं रो मेजर ऑर्डर। दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रो मेजर ऑर्डर और कॉलम मेजर ऑर्डर। इन रो मेजर ऑर्डर और टू डायमेंशनल अरेज रिप्रेजेंटेड इन मेमोरी बाय रो ऑर्डर। रो के लिहाज से हमने देखना है, ये देखें ये रो के लिहाज से, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ठीक है। रो मेजर ऑर्डर रो के लिहाज से देखना है, X11, X12, X13, ये पहली रो हो गई, अब ये दूसरी रो हो गई, ठीक है, ये दूसरी रो हो गई।
In column major order, two dimensional array is represented in memory by column order. For example, two dimensional array having three rows, two rows and three columns. Three columns है, तो columns के तीन set बनेंगे. ये पहला set है. Column, जिसका column one होगा. One, x of one one और x of two one. इसमें column same है, one है. इसमें क्या है? Column same है, two है column. One two और two two. इसमें column three है. Column three, one three और two three. Algebraic operations on matrix. वो कह रहा है कि इस्तेमाल कहाँ पे होते हैं. मिसाल के तौर पर ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमने मैट्रिसेस की कैलकुलेशन करनी है, तो algebraic operations करनी है मैट्रिसेस के ऊपर. तो क्या होगा? Algebraic operations like addition, subtraction, multiplication can easily perform matrices. The matrices must obey certain rules for performing these operations. ये कह रहा है कि ये rules होने चाहिए. To add, subtract two matrices, the number of rows and columns for the first matrix may equal to the number of rows. ये जो रूल्स हैं वो आपने ऑलरेडी पढ़े हैं मैट्रिसेस के चैप्टर में, कि मैट्रिसेस को किस तरीके से हम ऐड और माइनस कर सकते हैं. टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज फॉर द सेकंड मैट्रिक्स. फॉर एग्जांपल द टू टू ऐड टू मैट्रिसेस ए एंड बी द कॉरस्पोंडिंग एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स. ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी है. ए प्लस बी कैसे होगा? ए ऑफ जीरो जीरो को हम बी ऑफ जीरो जीरो में ऐड करेंगे. ठीक है, ए ऑफ 01 को हम ऐड करेंगे b ऑफ 01 में, a ऑफ 10 को हम ऐड करेंगे b ऑफ 10 में, a ऑफ 11 को हम ऐड करेंगे b ऑफ 11 में. ठीक है, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स की एडिशन है. तो a प्लस बी क्या आ जाएगा? जो भी उसका सम होगा. हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया है. हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 है स्टैक्स का, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह. चैप्टर नंबर 3 स्ट्रिंग्स का चैप्टर है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे स्ट्रिंग्स में. ओके क्लास, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.